छन-छन तैयार हो रही है, बताइए। उसे आने दो बेटा, उसके सामने ही बात करेंगे। लो छन-छन आ गई। पापा, आपको बात करनी थी। बेटा तू ये साड़ी में? मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि आप ये मानते हो कि बहुओं का साड़ी पहनना बड़ों को इज्जत देने के बराबर होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कपड़े सिर्फ पहनावे की चीज होती है, दिखावे की नहीं। लेकिन मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है मम्मी जी, इसलिए आपकी खुशी का ख्याल रखते हुए मैंने ये साड़ी पहनी। ये तो आपका बड़प्पन है मम्मी जी, जो आपने मुझे इस घर में बहू से ज्यादा बेटी के रूप में स्वीकारा है। इससे मेरे दिल में आपके लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। मैं जानती हूँ कि आपने एक माँ के दिल से सोचकर मुझे ये परमिशन दी, लेकिन मुझे भी तो अपनी बहू होने का फर्ज निभाने दीजिए। इस घर के जो भी नियम है मैं वो सब मानूंगी, घर की बाकी बहू जो भी पहनती है मैं वो सब पहनूंगी। मे बी मैं जॉइंट फैमिली के तौर तरीके ठीक से नहीं जानती, लेकिन एक फैमिली में यूनिटी कैसे रहे ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बेटी, तुम्हें बुलाया था तो कुछ और बात करने के लिए, लेकिन खैर जा, खुश रहो। बेटा, तूने इस परिवार के बारे में इतना सोचा, यही बहुत है। हाँ, तू इस परिवार का चांद है। अरे बेटा, तूने कुछ खाया नहीं ना? नाश्ता करो बच्चे, चलो। उमा, छन-छन तो कह रही थी कि सूट पहनने की परमिशन तुमने उसे दी। मैं क्या कर सकती थी, वो छन-छन ने मुझसे मिन्नते की कि मम्मी जी मैं साड़ी नहीं पहन सकती, मैं साड़ी नहीं पहन सकती, मैं उसे मना नहीं कर पाई। अब वो नई नई आई है इस घर में, मैं मना करती और उसे बुरा लग जाता तो? आप तो जानते ही हैं कि घर की ये छोटी छोटी चीजें कब बड़ी बन जाए किसे पता। और मैं जानती हूँ कि आप कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा घर इस तरह बिखर जाए, तो सबकी एकता और खुशी के लिए मैंने उसे परमिशन दे दी। उमा, तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया, लेकिन आज छन-छन ने जो कहा ना, उसे सुनने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारी ये छोटी बहू बहुत गुणों वाली, बहुत ही अच्छे संस्कारों वाली है। चलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
मानव तुम वापस आ गए? बैग लेने आया था। बैग तो सिर्फ एक बहाना है। जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी घर पर हो, उसका भला काम पर जाने का मन कैसे करेगा? थैंक्स मानव। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं ये साड़ी कभी नहीं पहन पाती। तुम हेल्प करोगे, वो भी साड़ी पहनाने में। क्यों नहीं, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। साड़ी क्या चीज है, जरूर पहनाऊंगा। अच्छा, कैसे? It's perfect. ससुर जी को इसी वक्त फोन करना था। तुम जल्दी से ऑफिस जाओ वरना मेरे ससुर जी फोन करेंगे। ये लो। कम ऑन मानव, गो। तुम लेट हो गए हो। चलो बाय। लव यू टू। हाँ पापा, कैसे हो? बेटा, तेरे बिना इस घर का पूरा सिस्टम बिगड़ गया है, और खासकर मेरा। क्यों, क्या हुआ? बेटा, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है। पापा, अपने ड्रॉर में या बाथरूम में चेक कीजिए, आप हमेशा चश्मा वही भूल जाते हैं। क्या वहाँ होता तो मैं तुझे कॉल करता। तो फिर एक ही जगह हो सकती है। कहाँ? आपके सर के ऊपर। ओ हाँ, हाँ, मिला मिला। पर बेटा, तुझे कैसे पता कि ये वही था? बेटियां सब जानती है पापा। अच्छा बेटा, ये बता, तेरी आज की सुबह कैसी रही? मतलब ब्रेकफास्ट किया है तूने? ये कैसा सवाल है? अरे बेटा, मेरा कहने का मतलब है कि नाश्ते में क्या बना था और किसने बनाया था। पापा, आप फिर से वही पूछ रहे। मैंने आपसे कहा ना, मेरी सास बहुत अच्छी है, वो मुझसे घर के कोई भी काम नहीं करवाती है। ये तो अच्छी बात है बेटा कि तुझे वहाँ सब पसंद करते हैं। इनफैक्ट उन्हें मेरी इतनी फिक्र है कि उन्होंने मुझे परमिशन दी कि मैं साड़ी की जगह सलवार कमीज पहन सकती हूँ। लेकिन मैंने भी उनसे कह दिया कि मैं वही करूँगी जो इस घर के रिवाज। भगवान करे तू हमेशा खुश रहे बेटा। आप ही। चल अब रखता हूँ, ठीक है? ठीक है, बाय बाय। अच्छा, तो अब बेटी से बात करने के लिए बहाने बनाएंगे। क्या करूं मिसेज, बेटी का बाप, बेटी की फिक्र तो रहेगी। पर उसके मुंह से उमा बहन की तारीफ सुनकर अच्छा लगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था, कुछ लोग बाहर से जितने सख्त दिखते हैं ना, अंदर से उतने ही सेंसिटिव होते हैं। आप देख लें, उमा बहन हमारी छनछन को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखेंगे। भाभी, आइए ना, आप भी कुछ खाइए। नहीं छनछन, आज हम में से कोई भी कुछ भी नहीं खाएगा, आज तो एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत? हाँ। मतलब आज आप लोग कुछ नहीं खाएंगे?
दिन में तो बिल्कुल भी नहीं, शाम को व्रत खोलकर कुछ हल्का सा खा लेंगे हम। कौमुदी बहू, आज शाम के खाने की तैयारी शुरू हो गई? जी बा, हम बस रसोई जा ही रहे थे। मम्मी जी, भाभियों ने सुबह से कुछ नहीं खाया और अब वो खाना बनाएंगी। मतलब भूखे पेट वो थक गई होंगी, इसलिए मैं सोच रही थी कि आज किचन में मैं उनकी हेल्प करूं। तुम रसोई में मदद करोगी? हाँ, अगर आप कहे तो। हाँ, क्यों नहीं। वैसे अब तुम्हें खाना भी बनाना शुरू कर देना चाहिए। तो ठीक है कौमुदी, रंजना संजना, आज तुम्हारी छुट्टी। आज शाम का खाना मेरी छनछन बनाएगी। और अच्छा भी है, आज एकादशी के शुभ दिन तुम्हारी चौका रसम भी पूरी हो जाएगी। शुभ दिन, रसोई का शुभ आरंभ। क्या हुआ बेटा, तुम परेशान हो? ये खाना बना लोगी ना? हाँ मम्मी जी, मैं बना लूंगी। और ऐसे भी आज एकादशी का व्रत है, तो कुछ ज्यादा खाना तो बनाना नहीं है। बस राजगरा का शीरा, साबुदाना की खिचड़ी, फराड़ी पैटीज और सामा, बस और कुछ नहीं। अब तुम तीनों जाके अपना अपना कुछ काम करो। आज की रसोई मेरी छन छन संभाल लेगी। और हाँ बेटा, खाना बन जाए ना तो मुझे बुला लेना। हाँ भाई का मजा। मतलब छनछन के हाथ का खाना खा के बहुत मजा आएगा। कौमुदी भाभी, मैं सोच रही थी कि जब बा ने आज छुट्टी दे ही दी है ना, तो अपनी अलमारी ठीक कर दूं। कई दिनों से ना बिखरी पड़ी है, कोई कपड़ा ही नहीं मिल रहा है, तो मैं जाती हूँ। छनछन, अच्छा खाना बनाना। हाँ हाँ, मेरे भी कमरे में सारा सामान इधर उधर है, मैं भी ठीक करके आती हूँ। क्या सोच रही हो छनछन? भाभी, मैं आप लोगों की तरह खाना बनाना चाहती हूँ, लेकिन इतना सारा खाना अकेले, मैं तो सिर्फ आप लोगों की हेल्प करना चाहती थी, लेकिन मम्मी जी ने पूरी डिनर की जिम्मेदारी मुझे दे दी। भाभी, मेरा टेस्ट हो रहा है ना? नहीं छनछन, ये तो बस एक रिवाज है, एक रस्म, जिसमें नई बहू अपने हाथों से खाना बनाकर पूरे परिवार को खिलाती है। और अगर नई बहू को खाना बनाना नहीं आता तो? तुम घबराओ मत छनछन, मैं बा से बात करके देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि वो तुम्हें खाना बनाने से मना कर दे। नहीं भाभी, अगर ये रस्म है तो मैं इसे जरूर पूरा करूंगी, बस मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। नहीं छनछन, बा ने हम तीनों को रसोई से छुट्टी दी, और ऐसे में मतलब खाना बनाने में कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर सकता। छनछन, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन आज तक हम में से किसी ने भी बा की कोई कही बात टाली नहीं है। कोई बात नहीं भाभी, मैं आपको ऐसी सिचुएशन में डालूंगी ही नहीं। मेरे पास एक आइडिया है। लेकिन ये शुरू कैसे होता है? अरे भाभी, ये शुरू ही है, देखो हम दोनों इसमें दिख रहे हैं। भाभी, ये लैपटॉप मेरे पास किचन में होगा, जिसमें मैं आपको देखूंगी और आप मुझे इसमें देखेंगे।
लेकिन मुझे क्या करना होगा छनछन? आपको कुछ नहीं करना है भाभी, आपको बस मुझे बताना है कि कौन सी चीज कैसे बनती है और मैं आपको लैपटॉप में देखकर वैसे ही बनाऊं, ठीक है? थैंक यू भाभी। सब हो गया छनछन? ऑल सेट भाभी। बापूजी इस बार पहली बारिश बहुत अच्छी हुई ना? हाँ अच्छा ही है, फसल जल्दी पक जाएगी तो मंडी में भी जल्दी पहुंच जाएगी है? हाँ बापूजी, इस तिमाही धंधा बहुत अच्छा होगा, सब काम टाइम पे हो रहा है। मानो तुझे तो ये सब बातें अजीब लग रही होगी, नहीं तुम्हारे लिए बरसात मतलब प्यार रोमांस और हमारे लिए बरसात मतलब नफा नुकसान। मेरे लिए तो बरसात का मतलब है मेरा अस्थमा, इस मौसम में शुरू हो जाता है। अरे बेटा माड़े पानी दो कोई। अब ठीक है माणी? मैं ठीक हूँ। चलो फिर खाना शुरू करते हैं। शुरू कर। कुछ अलग लग रहा है। अलग मतलब अच्छा नहीं है? अरे नहीं, कमाल बना है।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.